हमें अपना साइंस प्रोजेक्ट चार्ट बनाते वक्त कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि एक कलर चार्ट चाहिए होगा, इनमें से कोई भी एक कलर चार्ट हो सकता है। उसके साथ साथ हमें चाहिए होंगे कलर A4 साइज शीट पेपर्स, और इसके साथ साथ हमें चाहिए होंगे कलर स्केच पेन, और हमें इसके साथ साथ चाहिए होंगे पेंसिल, रबड़, कैंची, पेन, ब्रश, पेन और पटरी, और हमें चाहिए होगा कलर टेप अपने चार्ट पर लगाने के लिए, और इसके साथ साथ हमें एक थर्माकोल चाहिए होगा जिस पर कि हम अपने चार्ट को चिपकाएंगे, और इसके साथ साथ हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे जैसे कि ग्लू गम गन, जिससे कि हम अपना चार्ट आसानी से बनाएंगे। और दोस्तों एक आवश्यक सूचना है आप सभी के लिए, दोस्तों अगर आप यह चार्ट नहीं बनाना चाहते हैं, आप कोई दूसरा चार्ट बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट प्रोजेक्ट मॉडल चार्ट 100+ के नाम से बनाई गई है, जिसमें 100+ चार्ट मॉडल प्रोजेक्ट उपलब्ध हैं, जिसमें से कोई एक चार्ट आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप हो सकता है। ये वो प्लेलिस्ट रही जिसमें कि 100+ प्रोजेक्ट मॉडल और चार्ट दिए गए हैं। हमें अपना चार्ट बनाते वक्त कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी। चार्ट बनाने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, कि जैसे कि जिस सतह पर हम चार्ट बना रहे हैं उसके नीचे की सतह प्लेन होनी चाहिए, खुरदरी नहीं होनी चाहिए। अगर वो सतह खुरदरी होती है तो हमारा चार्ट फट सकता है। तो सबसे पहले नीचे आपके मेज होनी चाहिए, या आप फर्श पर भी चार्ट बना सकते हैं। चार्ट बनाते वक्त जब हम चार्ट को रखते हैं तो चार्ट हमारा गंदा नहीं होना चाहिए, और हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। अगर चार्ट हमारा गंदा हो जाएगा तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा चार्ट साफ़ सुथरा हो इसके लिए हमें मेज़ पर या जिस चीज़ पर हम बना रहे हैं वहाँ पर हमें प्लेन पेपर बिछा देना चाहिए, प्लेन पेपर या कोई आप अखबार में बिछा सकते हैं ताकि हमारा चार्ट गंदा ना हो। चार्ट बनाते समय दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली होती है कि हमें जब चार्ट हम जब जिस अपने चार्ट को जब फैलाते हैं तो चार्ट हमारा कभी कभी इधर को आने लगता है या इधर से इधर को फोल्ड होने लगता है। तो हमें अपने चार्ट को इसको साइडों पर कुछ रख कर इसको इस प्रकार से हम इसकी साइड को दबा देनी चाहिए किसी चीज़ से, ताकि हमारा चार्ट फोल्ड ना हो। इधर भी हम इसको दबा, एक पेंसिल ड्रॉ करने के लिए, एक रबर उतारने के लिए, एक कटर, दो स्केच मोटे वाले, एक स्केच इससे पतला, और कुछ स्केच हमें पतले वाले चाहिए होंगे इस टाइप के, जिससे कि हमको राइट करना होगा, लिखना होगा और आउटलाइन करनी होगी। एक कम मोटा स्केच जो कि मोटे वाले स्केच से कम मोटा होगा। इसके साथ साथ हमें स्पार्कर पेन, जो किरकिरा वाले होते हैं जिनको स्पार्कल पेन कहा जाता है, पेन चाहिए होगा एक। इसके साथ साथ हमें दो पतले वाले पेन चाहिए होंगे, मतलब कि दो पतले मार्कर, जो पतले मार्कर आते हैं जैसे कि आउटलाइन की जाती है, तो इस प्रकार से दो पतले मार्कर हमको चाहिए होंगे। इसके साथ साथ हमें कलर पेन चाहिए होंगे, 3-4 कलर पेन जैसे कि ये देख रहे हैं आप, उनको हटा देते हैं। ये आपके 3 कलर पेन हुए। इसके साथ साथ हमें एक कटर चाहिए होगा, जिससे कि हमें कुछ काटना होगा तो इस कटर से हम कुछ काट सकते हैं। इसके साथ साथ हमें एक गम चाहिए होगा, जिससे कि हम कोई भी चीज़ चिपका सकें, तो ये हमारा गम होगा, इस गम से हम कुछ भी चिपका देंगे। इसके साथ साथ हमें टेप चाहिए होंगे कलर वाले, ये आप देख रहे हैं ये कलर टेप, इन कलर टेप से हमें आउटलाइन करनी होती है अपने चार्ट की, तब इन टेप से हमने चार्ट की आउटलाइन कर लेंगे। इसके साथ हमें एक कैंची भी चाहिए होगी क्योंकि हमें कुछ काट कर चिपकाना पड़ सकता है। जब हम चार्ट पर पेंसिल अपनी चलाते हैं या कोई भी चित्र बनाते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि हमें पेंसिल को डॉटेड चलाना है। कोई भी चित्र बना रहे हैं तो हमें पहले डॉटेड पेंसिल बनाते हैं, ऐसे ऐसे डॉटेड चलाते हैं। जब हमारा चित्र बन जाता है तो हम अपनी पेंसिल से
डॉटेड को मिला देते हैं और फिर जब चित्र बन जाता है तब इसको हम डार्क कर देते हैं। क्योंकि अगर हम पहले ही डार्क बनाएंगे, अगर हमें बीच में कहीं पर मिटाना पड़ जाता है तो वो बहुत भद्दा लगने लगता है और हमारा चार्ट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि हमें डॉटेड लाइन बनानी है, क्योंकि डॉटेड लाइन जब हम बनाते हैं तो उसको मिटाना आसान लगता है और जब हम उसको मिटाते हैं तो हमारे चार्ट पर कोई भी निशान नहीं पड़ता है और हमारा चार्ट देखने में भी अच्छा लगता है। अगर हम पहली ही बार डार्क लाइन बना देंगे तो चार्ट हमारा जो है भद्दा लगने लगेगा और मिटाते हुए हमारा चार्ट बहुत हल्का हो जाएगा। हम सहसंयोजक बंध का चार्ट बनाएंगे जिसमें कि हम हाइड्रोजन परमाणु, उसके साथ साथ क्लोरीन परमाणु, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड परमाणु, इनको दर्शाएंगे, और क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बन टेट्रा क्लोराइड अणु हम बनाकर दिखाएंगे। तो चार्ट बनाने में हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि हमें अपना ये सर्कल बनाने होंगे। सर्कल बनाने के लिए हमें प्रकार और पेंसिल की सहायता से सबसे पहले हमें 2 सेंटीमीटर के त्रिज्या के गोले बनाने होंगे। इस प्रकार से प्रकार और पेंसिल की सहायता से या हम किसी वस्तु की सहायता से भी इन गोलों को पेंसिल की मदद से बना सकते हैं। इन गोलों को हम जैसे ही बनाएंगे, इन जो जितने गोले बने हैं इतने ही गोले हमें अपने चार्ट पर बनाने होंगे। इसी प्रकार से इन्हीं आकार के ये ध्यान रखना है कि ये गोले समान आकार के होने चाहिए। उसके बाद हम अपनी हेडिंग भी ऊपर पेंसिल से ही पहले ड्रॉ करेंगे। सहसंयोजक बंध के नाम से यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों के साझे से बने बंध। इलेक्ट्रॉनों के साझे से सहसंयोजक बंध बनता है तो उसको यहाँ पर दर्शाएंगे। इसके बाद जब हमारा पेंसिल से लिख जाएगा तो हम स्केच कलर स्केच पेन लेंगे, कलर पेन। स्केच पेन से इसकी आउटलाइन कर देंगे, इन सभी की आउटलाइन कर देंगे। आउटलाइन करने के बाद हम जब हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी फिर हम पेन से इन इलेक्ट्रॉनों को इन बिंदुओं पर दर्शा देंगे। पेन की मदद से ये जो इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए हैं इन इलेक्ट्रॉनों को इसी प्रकार दर्शा देंगे जिस प्रकार यहाँ पर दर्शाया गया है। और फिर उसके बाद हम स्पार्कल पेन से यहाँ पर नीचे लिख देंगे 2 हाइड्रोजन परमाणु, 2 क्लोरीन परमाणु, और 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हाइड्रोजन अणु बनाएंगे, 2 क्लोरीन परमाणु मिलकर 2 फ्लोरीन परमाणु मिलकर फ्लोरीन अणु बनाएंगे, और 2 ऑक्सीजन परमाणु और 1 कार्बन परमाणु मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, जो कि एक सहसंयोजक बंध का उदाहरण है। इसके बाद हमारा बनेगा 4 क्लोरीन परमाणु और 1 कार्बन परमाणु मिलकर कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड अणु बनेगा। इसके बाद हमें यहाँ पर नंबरिंग भी कर देनी है। नंबरिंग कर देंगे हम 1, 2, 3 और 4 नंबर डाल देंगे, और पहले पेंसिल से फिर उसके बाद हम इसको स्केच से डार्क कर देंगे। और जो हमारी हेडिंग रहेगी इसको हम मोटे स्केच से अपनी हेडिंग को इसको फेर देंगे जिससे कि हमारी हेडिंग अच्छे से दिखाई देने लगेगी। और इसके बाद ये पटरी से हम अपनी लाइन खींच के पटरी की मदद से और इसको स्केच की सहायता से मोटा कर देंगे। इसके बाद हम पटरी की सहायता से ये एरो बना देंगे यहाँ पर, और इन एरो को भी पहले हम पेंसिल से बनाएंगे सभी एरोज को पटरी और पेंसिल की सहायता से, फिर इन एरो को हम ब्लैक स्केच से डॉर कर देंगे जिससे कि ये हमें देखने में अच्छे लगने लगेंगे। और उसके बाद बचा हमारा काम कि इसके अंदर के इन अंदर के छोटे छोटे जो सर्कल हैं इनको हम पेंसिल से बनाकर इनको स्केच से हम ब्लैक कर देंगे इस प्रकार से, तो ये हमारे ब्लैक दिखने लगेंगे। और इस प्रकार हमारा चार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है बनकर। और ये प्लस चिन्ह जो दिए गए हैं जहाँ पर हैं वहीं पर आपको प्लस चिन्ह पहले तो पेंसिल से बना लेना है ये सभी प्लस चिन्ह, और उसके बाद जो है आपको इनको स्केच से डार्क कर देना है स्केच पेन से। तो इस प्रकार से हमारा चार्ट बनकर तैयार हो जाता है। आप इस चार्ट को कम्प्लीटली देख लीजिए, चार्ट को किस प्रकार से आपको बनाना है।
पूरा चार्ट आप देख लीजिए किस प्रकार से चार्ट तैयार हो रहा है आपका। इस प्रकार से आप इस चार्ट को तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद एक काम रह जाता है, इस चार्ट की जो साइड हैं, इन साइड पर हमारा जो कलर टेप है, उस कलर टेप को हम यहाँ पर इन सभी साइड्स पर इन पर लगा देंगे। जिस कलर का हमें टेप अच्छा लगे, उस कलर का हम टेप इन साइड्स पर लगा देंगे, इन सभी साइड्स पर। नीचे भी साइड में लगा देंगे, जो है नीचे भी साइड में कलर टेप लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे, पूरा चारों साइडें इसकी कवर कर देंगे टेप की मदद से। और जब टेप की मदद से इसकी सभी साइडें कवर हो जाएंगी तो हमारा चार्ट देखने में बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा यह चार्ट सहसंयोजक पंच का चार्ट यहाँ पर तैयार होता है। एक आवश्यक सूचना दोस्तों, अगर आप यह चार्ट नहीं बनाना चाहते हैं, आप कोई दूसरा चार्ट बनाने का मन करता है आपका, तो आप हमारी प्लेलिस्ट प्रोजेक्ट मॉडल चार्ट 100+ के नाम से एक बनाई गई है, जिसमें 100+ चार्ट मॉडल प्रोजेक्ट उपलब्ध हैं, जिसमें से कोई एक चार्ट या वीडियो या मॉडल या प्रोजेक्ट आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप हो सकता है। वहाँ से आप उनको देख कर अपना चार्ट तैयार कर सकते हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको 100+ मॉडल और चार्ट और प्रोजेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको देखकर अपना चार्ट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। और जिन फ्रेंड्स ने भी या हमारे दोस्तों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो फ्रेंड्स कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक भी किया होगा, हमारे चैनल वीडियो को शेयर भी किया होगा अपने दोस्तों तक, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्रिएटिव आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।